नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। लोकेश कुमार के साथ बुलेट चोरी का ओएलएक्स पर बेचने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। एएसपी कैंट सूरज राय ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। थाना नौचंदी पुलिस ने दो साथी वाहन चोरों को दबोचते हुए चोरी और लूट की बाइक को ओएलएक्स पर बेचने जाने का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपियों के पास चोरी की 7 बाइक बरामद की गई। नौचंदी थाने इंस्पेक्टर संजय वर्मा ने बताया कि पुलिस की चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने अपना नाम दानिश और अब्दुल्ला बताया। बदमाशों को निशानदेही पर चोरी की 3 अन्य बुलेट सहित 6 बाइक और बरामद की गई। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि यह बदमाश पिछले काफ़ी समय से जिले में वाहन चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की इन बाइकों को ओएलएक्स के जरिए भोले भाले लोगों को बेच देते थे। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। कहाँ से पकड़ा गया और कितनी बुलेट इनसे बरामद हुई? ये थाना नौचंदी की टीम ने चेकिंग करते वक्त 2 व्यक्तियों को संदिग्ध पाया और उन्हें पकड़ा। पकड़ने के पश्चात पूछताछ की तो समझ में आया कि ये वाहन चोर हैं और उनकी उनसे और पूछताछ करने पे 4 बुलेट हैं, 2 होंडा शाइन और 1 स्प्लेंडर, ये मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनका मोटस ऑपरेंडी पूछताछ में ये समझ में आया कि ये चोरी की गाड़ियों को ओएलएक्स पे फर्जी आईडी बनाते हैं और फर्जी कागज़ के साथ बेच देते हैं और उसके थ्रू ये धन अर्जित करते हैं। किस तरीके से चुराते थे और आगे की मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने चुराया तक राज्यों में? ये यूपी में ही विभिन्न जिलों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। करीब 0.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इन दोनों के खिलाफ दर्ज हैं। गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, मेरठ, बागपत, ये मेजर 4-5 जिले जो आसपास के हैं, इनमें इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। सर, सोशल मीडिया को इन्होंने एक बिक्री का केंद्र बना रखा है, तो किस तरीके से ट्रेस हुए? ये ट्रेस तो संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग में हुए हैं, लेकिन इनसे पूछताछ में पता चला कि इन्होंने ओएलएक्स को और सोशल मीडिया का यूज़ करके ये क्राइम कमिट करते थे। सर, कुछ खरीदार भी पकड़ में आए हैं क्या? अभी तक ये दोनों ही पकड़ में आए हैं। राजकुमार।